Good morning, students. Today we will complete our chapter. The ransom of the Red Chief. I addressed this letter to Dorset and put it in my pocket. As I was about to start, the kid came up to me and said, "Maine us address mein Dorset ko address kiya, sambodhan kiya us letter mein and put it in my pocket aur use apni pocket mein rakh liya." ऐसे अबाउट टू स्टार्ट, और जैसे मैं वहाँ से निकलने वाला था, द किड केम अप टू मी, किड मेरे पास आया और उसने कहा, ओ स्नेक आई, आई वॉन्ट टू प्ले द ब्लैक स्काउट, कि मैं ब्लैक स्काउट खेलना चाहता हूँ। मिस्टर बिल विल प्ले विद यू, व्हाट काइंड ऑफ गेम इज इट, सैड आई। मैंने उससे कहा कि मिस्टर बिल तुम्हारे साथ खेलेंगे, एंड व्हाट काइंड ऑफ गेम इट इज़, ये किस तरह का गेम है। I am the black scout, said Red Chief. अब जो Red Chief बना हुआ था kid, अब वो बोल रहा है कि मैं black scout हूँ and I have to ride to the stockade to warn the shelters that the red Indians are coming. I am tired of playing red Indians myself. I want to be the black scout. वो कहता है कि मैं red scout हूँ और मुझे राइड करके जाना है इस स्कॉडेड तक वॉर्न करने के लिए, शेल्टर जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको वॉर्न करने के लिए जाना है कि जो रेड इंडियंस हैं वो आ रहे हैं। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ रेड इंडियंस बनकर खुद। आई वॉन्ट टू बी द ब्लैक स्काउट, अब मैं ब्लैक स्काउट बनना चाहता हूँ। ऑल राइट, सेड आई, मैंने उससे कहा ठीक है। इट साउंड हार्मलेस टू मी, ये मेरे लिए हार्मलेस साउंड कर रहा था, मीन्स इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी है। आई गेस मिस्टर विल बिल हेल्प यू फॉइल द पेस्की सेविस। आई गेस, मुझे लगता है कि मिस्टर बिल तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वॉट एम आई डू, आस्क बिल लुकिंग एट द किड सस्पिशियसली, अब उसे सस्पिशियसली सरप्राइज उसको देखते हुए कहा, पूछा उससे कि वॉट आई एम आई टू डू, मुझे क्या करना है। यू आर द हॉर्स, सैक सैड ब्लैक स्काउट, ब्लैक स्काउट ने कहा कि तुम हॉर्स हो। गेट डाउन ऑन योर हैंड्स एंड नी, और अपने हैंड्स और नी पर गेट डाउन हो जाओ, नीचे हो जाओ। हाउ कैन आई राइड टू द स्टॉकेड विदाउट ए हॉर्स, मैं बिना हॉर्स के स्कॉडेड तक कैसे जाऊंगा। बिल गॉट डाउन ऑन हिज ऑल फोर्स एंड ए लुक केम इन हिज आईज लाइक ए रैबिट्स व्हेन यू कैच इन ए ट्रैप। बिल गेट डाउन हो गया, मीन्स वो हॉर्स बन गया अपने हैंड्स और लेग को नीचे डाउन करके, एंड ए लुक, और वो कैसा लुक कर रहा था, जैसे एक रैबिट कैच हो जाता है ट्रैप, पिंजरे में फंस जाता है। आई वॉकड ओवर टू पॉपुलर केव कोव एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस, मैं उस पॉपुलर कोव के पास गया और सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस के पास बैठ गया। आई हियर्ड वन विस्करेंडो से that summit was all upset on account of Ebenezer Dorset boy having been lost or stolen, कि जो वो आपस में बातें कर रहे थे कि जो summit है, summit चूँकि एक village है, वो पूरा जो लोग हैं उसके वो सब upset हैं, किस लिए, कि जो Ebenezer Dorset है उसका boy, उसका जो kid है वो lost हो गया है या किसी ने उसको चुरा लिया है। That was all I wanted to know, और वही सब मैं जानना चाहता था। आई पोस्टेड माई लेटर सुपरस्टिशली एंड केम अवे, मैंने बहुत जल्दी से उसको क्विकली उसको पोस्ट कर दिया और वापस आ गया। व्हेन आई गॉट बैक टू द केव, बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड, जैसे मैं केव में आया वापस, बिल और बॉय वहाँ पर नहीं थे। आई एक्सप्लोर्ड द विसिनिटी ऑफ द केव बट देर वॉज नो रेस्पॉन्स, मैंने पूरी केव को देखा बट वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इन अबाउट हाफ एन आवर आई हियर्ड द बुशीज रसल एंड बिल वेवल्ड आउट इन द लिटिल ग्लैड इन फ्रंट ऑफ द केव। इन अबाउट हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद मैंने बुशीज जो कि झाड़ियाँ थी उनमें हलचल सुनी। बिल वहाँ से निकल के आया केव के सामने से, बिहाइंड हिम वॉज द किड, और उसके पीछे किड था, स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक ए स्काउट, और वो चुपचाप सॉफ्टली उसके पीछे आ रहा था जिससे कि उसको पता ना चले, विद ए ब्रॉड ग्रिन ऑन हिज फेस, और उसके जो फेस पर एक
दबीसी स्माइल थी। बिल स्टॉप टुक ऑफ हिज हैट एंड वाइप्ड हिज फेस विद ए रेड हैंडकरचीफ। बिल रुका और उसने अपने हैट को उतारा और अपने फेस को एक रेड हैंडकरचीफ से साफ किया। द किड स्टॉप अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, और जो किड था वो भी 8 feet दूर उससे वहाँ रुक गया। सैम सेड बिल, आई सपोज यू विल थिंक आई एम ए रिनेगेज बट आई कुड नॉट हेल्प इट, द बॉय इज गॉन, आई हैव सेंट हिम होम, ऑल इज ऑफ। अब वो बिल सैम से कह रहा है, सैम आई सपोज कि तुम आई सपोज यू विल थिंक, तुम्हें लगेगा कि मैं एक चीटर हूँ, बट आई कुड नॉट हेल्प इट, लेकिन मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, द बॉय इज गॉन, बॉय जा चुका है, आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया, ऑल इज ऑफ, सब खत्म हो गया। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा कि क्या परेशानी है। आई वॉज रोड सैड बिल, आई द 90 miles टू द स्टॉकेड नॉट बेरिंग एन इंच एंड देन फॉर एन आवर आई हैड टू ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम हाउ ए रोड कैन रन बोथ वेज एंड वॉट मेक द ग्रास ग्रीन। आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। आई वॉज रोड मीन्स मैं उसको रोड करा रहा था, राइडिंग करा रहा था। बिल ने कहा 90 miles चलने के बाद स्टॉकेड, द 90 मील तक मैं इस स्टॉकेड के लिए चला जो कि कहीं था ही नहीं। एंड देन एन आवर, और एक घंटे तक मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि जो एक रोड है वो बोथ साइड जाता है, दोनों ही साइड जाता है, एंड किस तरह से जो ग्रास है वो ग्रीन है। मीन्स मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि स्कॉटेड जैसी कोई जगह नहीं है, बट उसने उसकी बात नहीं मानी और वो वापस आने के लिए तैयार नहीं हुआ। आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। आई टुक हिम बाय द नेक ऑफ हिज क्लॉथ एंड ड्रैग्ड हिम डाउन द माउंटेन। मैंने उसे उसकी नेक से पकड़ा उसके क्लॉथ को और उसे खींचते हुए माउंटेन के नीचे ले गया। ऑन द वे ही किक्ड मी लेग्स ब्लैक एंड ब्लू फ्रॉम द नीज डाउन। आई शोव्ड हिम द रोड टू समिट, मैंने उसे समिट के लिए रोड दिखा दिया। आई एम सॉरी वी लॉस द रैनसम, मुझे माफ़ करना कि हम अपनी जो रैनसम है मनी है उसको लॉस कर चुके हैं, बट इट वॉज आइदर दैट और बिल डिस्क्रॉल टू द मैड हाउस। ऐसा हो भी सकता था और मे बी जो बिल डिस्क्रॉल था उसको मैड हाउस भेजना पड़े। बिल वॉज पफिंग एंड ब्लोइंग, वो पफिंग और ब्लोइंग मीन्स वो स्मोकिंग करा था, बट देर वॉज ए लुक, लेकिन उसके फेस पर जो लुक था वो इनफियबल था। मीन्स एक पीस और ग्रोइंग कंटेंट ऑन हिज फेस, मीन्स वो बहुत अंदर से शांत दिखाई दे रहा था, वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। बिल सेड आई, बिल ने कहा आई देयर, मैंने उससे बिल से कहा देयर इज़ नॉट एनी हार्ट डिसीज़ इन योर फैमिली इज़ देयर, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे फैमिली में किसी को हार्ट की डिसीज़ तो नहीं है या है। नो सैड बिल, बिल ने कहा नथिंग कॉर्निक एक्सेप्ट मलेरिया एंड एक्सीडेंट फाय, नहीं किसी को भी ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है एक्सेप्ट मलेरिया और एक्सीडेंट, लेकिन क्यों। देन यू माइट टर्न अराउंड सैड आई एंड हैव ए लुक बिहाइंड यू, तब मैंने उससे कहा कि तो आप तुम पीछे मुड़ो और देखो और अपने पीछे देखो। बिल टर्न एंड सा द बॉय, बिल ने पीछे टर्न किया और बॉय को देखा। एंड लॉस्ट हिज कॉम्प्लेक्शन, और उसका जो फेस जो अभी शांत दिख रहा था, हैप्पी दिख रहा था, वो चेंज हो गया उसका जो कॉम्प्लेक्शन था। एंड सेट डाउन प्लम्प ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बैठ गया। एंड बिगेन टू प्लक एमलेसली एट ग्रास एंड लिटिल स्टिक, और एमलेसली अब जो ग्रास थी उसे नोचने लगा, खींचने लगा। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, और एक घंटे तक मैं उसके माइंड के लिए अफ्रेड था। एंड देन आई टोल्ड हिम, तब मैंने उससे कहा दैट माई स्कीम वॉज टू पुट द होल जॉब थ्रो इमीडिएटली एंड दैट वी वुड गेट द रैनसम एंड बी ऑफ विद इट बाई मिड नाइट इफ डॉरसेट फेल इन विद अवर प्रपोजिशन। तब मैंने उससे कहा कि जो हमारी स्कीम है वो इमिडिएटली तुरंत ही काम करेगी और हमें सिर्फ मिडनाइट तक उसके साथ रहना जब तक कि हमारी रैनसम मनी आएगी, अगर जो डॉरसेट है जो फादर है किट का वो हमारी प्रपोजल को मान गया। एट 8 o'clock आई वॉज अप इन द ट्री एज वेल हिडन एज ए ट्री टॉड वेटिंग फॉर द मैसेंजर टू अराइव, और मैं 8 o'clock पर मैं ट्री के ऊपर छिपा हुआ था, वेट कर रहा था मैसेंजर के आने का। एग्जैक्टली ऑन टाइम ए हाफ ग्रोन बॉय रोड अप
the road on. A bicycle or a half grown एक boy cycle पर वहाँ आया. Located the pasteboard box at the foot of the fence post, slip a folded piece of paper into it and peeled away again back towards summit. और उसने जो pasteboard box था उसकी तरफ गया और उसमें एक folded piece paper के piece को उसमें रखा और वापस summit की तरफ चल दिया. I waited an hour, मैंने एक घंटे इंतजार किया, एंड देन स्लाइड डाउन और नीचे उतरा द ट्री, स्लाइड डाउन द ट्री पेड़ से नीचे उतरा, गॉट द नॉट और उस नॉट को लिया, स्लिप्ड अलोंग द फेंस एंड वॉज बैक एट द केव इन अनदर हाफ एन आवर. आई ओपन द नॉट एंड रीड इट टू बिल. और मैं वहाँ से फेंस से निकल कर वापस केव में आ गया और आधा घंटे बाद मैंने उसे बिल के सामने रीड किया नॉट को. टू डेस्परेट मैन, अब उसमें जो क्योंकि मैं जो किडनैपर्स थे उन्होंने नीचे लेटर में अपना जो मेंशन किया था वो टू डेस्परेट मैन किया था, तो उसके फादर ने उसी को एड्रेस किया. टू डेस्परेट मैन, जेंटलमैन आई रिसीव योर लेटर टुडे, मैंने तुम्हारा लेटर आज रिसीव किया, मिला बाय पोस्ट. इन रिगार्ड टू द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन, कि तुमने रैंसम मनी के बदले में मेरे बेटे को लौटाने के लिए बोला है. I think you are a little high in your demand. मुझे लगता है कि तुम्हारी डिमांड जो है वो थोड़ी हाई है. And I hereby make you a counter proposition. मैं तुम्हें एक इससे भी बेहतर प्रपोजल देता हूँ. You bring Johnny home and pay me $250 in cash. कि तुम मेरा जो किड है उसे मेरे घर लेकर आओगे और मुझे $250 पे करोगे. And I agree to take him off your hand. तब मैं उसे तुमसे लूँगा. You had better come at night, for the neighbor believe he is lost and I could not be responsible for what they would do to anybody they saw bringing him back, very respectfully. और उसने लिखा कि better होगा, अच्छा होगा कि तुम night को आओ, क्योंकि जो neighbors हैं उनको लगता है कि वो lost हो गया है और अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए तुम responsible हो गया अगर तुम्हें किसी ने देख लिया उसे लाते हुए. Ebenezer Dorset, और नीचे उसने अपना नाम मेंशन किया. ग्रेट पायरेट्स ऑफ पेनिनसुला सैड आई ऑफ ऑल द इम्पुडेंट बट आई ग्लांस एट बिल एंड हेजिटेटेड ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक इन द इन हिज आईज आई एवर सॉ ऑन द फेस ऑफ ए डम और ए टॉकेटिव टॉकिंग ब्रूट. ग्रेट पायरेट्स, कितने अक्खड़ डाकू हैं, देखो हमसे उल्टा पैसे मांग रहे हैं. बट आई ग्लांस टू बिल, लेकिन जैसे ही मैंने बिल की तरफ देखा, ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक, मीन्स वो एक रिक्वेस्टिंग लुक से देख रहा था. आई एवर सॉ ऑन हिज फेस ऑफ ए डम और टॉकेटिव ब्रूट, उस कठोर इंसान के फेस पर ये वाला लुक मैंने पहली बार देखा था. सैम सैड ही वॉट्स $250. सैम, उसने कहा $250 आफ्टर ऑल, वी हैव गॉट द मनी, हमें मनी मिल गई. वन मोर नाइट ऑफ दिस किड विल सेंड मी टू ए बेड इन बेडलम, कि अगर मैंने इसके साथ एक रात और गुजारी तो वो मतलब जहन्नुम के जैसा होगा. बिसाइड बीइंग अ थ्रो जेंटलमैन आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज पेंडिट थीफ फॉर मेकिंग अस सच ए लिबरल ऑफर, कि वो एक मतलब अच्छे वेस्टलेस इंसान है, यही कह सकते हैं कंजूस हैं, जो कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ऑफर किया है. यू एंट गोइंग टू लेट द चांस गो आर यू, और तुम इस चांस को जाने नहीं दोगे. टेल यू द ट्रूथ बिल सेड आई, मैंने उससे कहा कि सच बताऊं, दिस बॉय हैज़ समवॉट गॉट ऑन माय नर्व्स टू, कि इससे जो ये किड है इसने मुझे भी बहुत परेशान किया. आई विल टेक हिम होम, पे द रैंसम एंड मेक अवर गेट अवे, हम इसके घर जाएंगे और जो मनी है उसे देकर इसको वापस भेज देंगे. वी टुक हिम होम दैट नाइट, हम उसे उस रात घर लेके गए. वी गॉट हिम टू गो बाई टेलिंग हिम दैट हिज फादर हैड बॉट ए पेयर ऑफ मोकेशंस फॉर हिम. वी गॉट हिम, और हम उसे इस कहकर लेके जाएंगे जो उसके फादर हैं उसके लिए एक पेयर ऑफ शू लेकर आए हैं.
इट वॉज जस्ट 12 o'clock वैन वी नॉक्ड एट एवेंजर्स फ्रंट डोर. और 12 o'clock का टाइम था नाइट का जब हमने एवेंजर का जो डोर था उसको नॉक किया. जस्ट एट द मोमेंट और उसी क्षण वैन आई शुड हैव बीन एब्स्ट्रक्टिंग द $1500 फ्रॉम द बॉक्स अंडर द ट्री. और ये वही टाइम था जब हमें $1500 वहाँ ट्री के नीचे बॉक्स से निकालने थे अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्रपोजिशन. मीन्स जो हमारा ओरिजिनल प्रपोजल था, डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग हमें वो मनी वहाँ से लेनी थी. बिल वॉज काउंटिंग आउट $250 इन टू डॉर्स एट हैंड. और इसके अपोजिट में क्या हो रहा था कि जो बिल था वो $250 डॉर सेट के हैंड में दे रहा था. मीन्स जो मनी हमें मिलनी थी $1500 की वो हमें नहीं मिली, बल्कि उसके बदले में हमें $250 देने पड़े.